और खबर भोपाल से, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस को छतरपुर, टीकमगढ़, बंगाल दिखाई नहीं देता, ये कहना है बीडी शर्मा का। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी मामला हो तो तत्काल एक्शन होता है। सीएम मोहन यादव की मेहनत और परिश्रम से घबराई हुई है कांग्रेस, से कहना है बीडी शर्मा का। और उन्होंने कहा कि सीएम मोहन के नेतृत्व में बीजेपी सरकार काम कर रही है, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, झूठ कपट छल फरेब की नकारात्मक राजनीति करने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने लगाया है। उन्होंने कहा कि जीतू पटवारी कटनी जाते हैं लेकिन टीकमगढ़ में कुछ सुनाई नहीं देता, टीकमगढ़ में पीड़िता के साथ दो खान अन्याय करते हैं, छतरपुर में आवाज क्यों नहीं निकली, सवाल भी बीडी शर्मा ने पूछा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ है, आरोपी किसी भी जाति समाज का हो, कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष को या कांग्रेस के नेतृत्व को दिखाई नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता मध्य प्रदेश के अंदर। छतरपुर की घटना के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, जीतू पटवारी जी थाने के अंदर बिना किसी कारण के योजनाबद्ध तरीके से आक्रमण होता है, पुलिस पर प्रहार होता है, आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? जो हम लोग कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ इस प्रकार के दुरावस्था, इस प्रकार के अपराधियों के साथ कांग्रेस का हाथ है, लेकिन कांग्रेस ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है कि इनके लिए नहीं बोलती। मैं पूछना चाहता हूं, बोलिए ना छतरपुर पर, बोलिए टीकमगढ़ पर, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपने भी देखा होगा, पूरा प्रदेश देखता है, अगर इस प्रकार की घटना चाहे कोई भी हो, मैंने कहा था किसी भी क्षेत्र का होगा, किसी भी जाति का होगा, किसी भी समाज का होगा, कानून कानून